नमस्कार दोस्तों, बीइंग हेल्दी में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मोटापा आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन गया है, जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। अगर आप भी वजन तो घटाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जिम के लिए टाइम, महंगी डाइट के लिए पैसे नहीं हैं, या आप काम के सिलसिले से सारा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सुबह की कुछ ऐसी आदतों को अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं जो धीरे धीरे आपका वजन कम करने में आपकी बहुत मदद करेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे काम हैं जिन्हें आप रोज़ाना आसानी से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं उन आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप बहुत आसानी से अपना वजन कम करने के साथ साथ स्वस्थ भी रह सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। ड्रिंक वार्म वाटर। हाँ दोस्तों, आप चाहे मोटे हो या पतले, चाहे गर्मी हो या ठंडी, आप अपना रूटीन सेट कर लें कि आप सुबह सबसे पहले गुनगुने पानी से ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रात में धीमा हो जाता है और सुबह उठने पर इसे सही तरीके से किक स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। गर्म पानी से मेटाबॉलिक रेट बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से शरीर का एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, जिससे वेट लॉस में आसानी होती है। सुबह के वक्त गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र तो बेहतर होता ही है, साथ ही ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम भी करता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर सुबह सुबह 500 ml तक पानी पिया जाए तो इससे 30% तक मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, सुबह की शुरुआत एक या दो ग्लास गर्म पानी से करें। तसल्ली से कहीं बैठकर सिप सिप कर पानी पिएं। आप चाहें तो पानी में नींबू और शहद मिला के भी पी सकते हैं। एक्सरसाइज। दोस्तों, वैसे तो एक्सरसाइज किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सुबह की एक्सरसाइज से ज़्यादा फायदा होता है। सुबह एक्सरसाइज करने से फैट जल्दी लूज होता है, जिससे आपको वजन जल्दी कम करने में मदद मिलती है। अगर आपको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता तो आप योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं जो कि एक संपूर्ण एक्सरसाइज है, एरोबिक्स, जुम्बा कर सकते हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स जो आपको पसंद हो अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर आप एक्टिविटी की वैरायटी को अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और हमेशा फिट भी रहेंगे। अगर आपको लगता है कि टाइम की कमी है तो आधा घंटे पहले उठ जाएं, लेकिन कोई ना कोई 30 मिनट के वर्कआउट को अपनी मॉर्निंग रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इससे ना सिर्फ आपका वजन कम होगा बल्कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल संबंधी जैसी कई अन्य बीमारियां होने की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही एक्सरसाइज करने से अनहेल्दी खाने की क्रेविंग्स भी कम होती हैं। टेक प्रॉपर सनलाइट। दोस्तों, विटामिन डी की कमी होना मोटापे की मुख्य वजह में से एक है। इसकी कमी से पाचन तंत्र तो खराब होता ही है, शरीर में सूजन आती है और लोगों का वजन भी बढ़ने लगता है। अगर आप भी वेट लॉस के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सुबह 9 बजे से पहले कम से कम 15 मिनट की धूप जरूर लें। अगर आपके पास इसके लिए अलग से टाइम नहीं है तो आप अपनी एक्सरसाइज बाहर धूप में करें या घर में जहां सनलाइट आती हो वहां करें। धूप में बैठ के आप अपने छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं, जिससे धूप भी मिल जाए और काम भी हो जाए। इससे ना सिर्फ आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होगी बल्कि इससे हड्डियां भी मजबूत होंगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, साथ ही वजन कम करने में भी मदद मिलेगी। यहाँ तक कि इससे वजन को बढ़ने से भी रोका जा सकता है। अगर आप दिन भर कमरे में बंद रहते हैं तो आपको सुबह की धूप जरूर लेनी चाहिए। टेक हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग वेट लॉस टिप्स में सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगर आप अपना वजन कंट्रोल रखना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं तो आपको हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करना होगा।
नाश्ते को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि आप ये मील पूरे 7 से 8 घंटे बाद लेते हैं। तो आप नाश्ते में जो कुछ खाते हैं वो जल्दी से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होता है और उससे आपके पूरे दिन के कामकाज के लिए एनर्जी मिलती है। हाई प्रोटीन एंड फाइबर ब्रेकफास्ट खाने से जल्दी भूख नहीं लगती और शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होना बंद हो जाता है। हाई प्रोटीन ग्रेलिन हार्मोन की मात्रा को कम कर देता है, जिसे हंगर हार्मोन यानी भूख का हार्मोन भी कहा जाता है। नाश्ते में आप अंडे, पनीर, होल ग्रेन ब्रेड, दलिया, ओट्स और फ्रूट्स जैसे हाई फाइबर और प्रोटीन वाले फूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ट्रैक योर कैलोरी इनटेक। दोस्तों, कैलोरी को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको इस बात पर नजर रखनी होगी कि आप कितनी मील्स ले रहे हैं और उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में हैं। इसके लिए आप मोबाइल एप्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप कैलोरी को ट्रैक नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह ही अपने दिन भर के मील प्लानिंग कर लें। मील प्लानिंग करने से वजन घटाने में काफी मदद मिलती है। नोट करें आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए कितना हेल्दी है। खाते वक्त पोर्शन का ध्यान भी जरूर रखें। टेक प्रॉपर स्लीप। अब आप सोच रहे होंगे कि वजन का नींद से क्या रिलेशन हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि अच्छी नींद आपकी अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि नींद की कमी से कॉर्टिसोल नामक हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है वजन बढ़ने की और आसानी से वजन ना कम होने की। यही हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अनहेल्दी और ज्यादा खाने की इच्छा भी बढ़ जाती है। इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। कंप्लीट नींद लेने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स रहते हैं। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इन छोटी छोटी आदतों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। बस जरूरत है पेशेंस की। बेहतर होगा आप इन आदतों के साथ अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ और हेल्दी रेसिपीज मिलती हैं और बीइंग हेल्दी का प्रयास है आप तक हर वो हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ पहुँचाना जो आप और आपके परिवार के लिए उपयोगी और फायदेमंद है। जल्दी मिलती हूँ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड टेक केयर।